सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पहुंचे, समर्थकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्पीकर बिरला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। दिवाली का त्यौहार है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में और अपने गृह जिले कोटा में अपने लोगों के बीच में है। आप देख सकते हैं लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और दिवाली की रामाष्टमी का जो दौर है वो लगातार जारी है। बिरला साहब, दिवाली का मौका है और लगातार लोगों से मिलने का दौर जारी है। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली का पर्व सबके जीवन में समृद्धि खुशहाली लाए, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। और लोगों में उत्साह है, उमंग है, दिवाली पर नई उत्साह, नई उमंग, नया जोश और नए भारत के निर्माण। एक देश के अंदर एक अति उत्साह है नए भारत की तस्वीर देखने का, और इसके लिए सब लोग सामूहिकता से काम कर रहे हैं। ये दिवाली का पर्व भी हमें इसी तरह की प्रेरणा देता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के कल्याण के लिए हम सब सामूहिकता से काम करें, मिलकर काम करें, सबके जीवन में दिए की तरह उजाला हो, अंधेरे के अंदर भी उजाले पहुँचाने का काम करें। हमारा कोशिश होनी चाहिए प्रकाश में समाज की, और इसीलिए दिवाली की मैं सबको शुभकामनाएं तो बधाई देता हूँ। बिरला साहब, स्पीकर लोकसभा के साथ साथ इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की रहनुमाई करते आपको 10 साल हो गए हैं, त्योहारी मौका है, किस तरह की खुशखबरी अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को आप सुनाना चाहेंगे? सबके समृद्धि आए, खुशहाली आए, सबके जीवन में उजाला हो, अंधेरे से उजाले की ओर हम सब समाज को ले चलें, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। तो अंधेरे से उजाले की ओर समाज को ले जाने का संदेश, और साथ में सभी को दीपावली की बधाइयां दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैंप कार्यालय में तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें, सुबह के बाद से लगातार यहां पर मजमा लगा हुआ है और लोग पहुंच रहे हैं, मिठाइयां लेकर के पहुंच रहे हैं, फूल मालाएं लेकर के पहुंच रहे हैं और अपने नेता और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लगातार दिवाली की बधाइयां दे रहे हैं और साथ में बांट रहे हैं दीपावली की खुशियां। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।